मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? आई होप अपने घर में सब ठीक होंगे। आज भी ठंड बहुत हो रही है, कल से ज्यादा ठंड हो रही है, धूप बिल्कुल नहीं निकली। ऐसा बिल्कुल बारिश जैसा मौसम बन रहा है, बना हुआ है, तो ऐसा लगता है बारिश ना आ जा रही है। बहुत ठंड हो रही है, आज भी पैरों में इतनी ठंड लग रही है, दो दो सॉक्स पहनी हुई मैंने भी। और क्या कहते हैं, आप भी ब्लैंकेट में रहिए, बच्चों को ब्लैंकेट में रखिए, उनकी केयर कीजिए। और सुनील अब रेडी हो चुके हैं, सुनील कह रहे हैं मेरे को पोहा बना दे निशा, तो मैंने उनके लिए पोहा बना दिया। अब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वो शॉप के लिए रेडी हो चुके हैं। अब मैं अपना मिक्स वेजिटेबल दलिया बनाऊंगी। आज मेरा मिक्स वेजिटेबल दलिया खाने का दिल कर रहा है, तो अभी परी सो रही है, परी अभी उठी नहीं है, परी सो रही है, जब उठेगी तो उसको रेडी करूंगी, फिर लंच का देखती हूँ। अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ क्या खाना सबने, तो पूछ के फिर बना दूंगी। तो आज मेड भी नहीं है गाइस, आज मेड का सारी सफाई मैं खुद करूंगी। उधर से कपड़े धोने हैं, कपड़े भी मशीन लगा रही हूँ, अभी कपड़े धोऊंगी और फिर उसके बाद सारे डालूंगी बाहर। कपड़े आजकल सूख नहीं रहे, ठंड इतनी पड़ रही है, कपड़े सूखते नहीं, बहुत मुश्किल सूखते हैं, दो दो तीन तीन दिन कपड़े सूखने में लग जाते हैं। निशा, हाँ जी। अरे मना किया था इसको नीचे मत ला भाई, मैं अकेला हूँ दुकान पे, तो क्यों क्यों ले आई है इसको यार? अरे जिद कर रही है, कह रही है मेरे को मॉल जाना, तुमने कहा केक खाना है। तो कल रात को कहा था केक खाना है, तो रात को खिला दूंगा इसे केक। मत बोला करो आप। हाँ तो रात को खिला दूंगा ना केक भाई, अब मैं दुकान छोड़े कहाँ जाऊँ केक खिलाने? नहीं तो वो जिद कर रही है, थप्पड़ मार इसको, जिद कर रही है तो इसकी जिद सारी पूरी करते रहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे हम तो। हैं, ये देखिए दांत कैसे डाल रही, देख मुंह कैसे डाल रही, देख उंगली डाल रही मुंह पे, देख तो सही एक बार। अभी घटती जा रही, जब देखो अरे चलो जाओ ऊपर जाओ, चलो चलो ऊपर चलो, उठाऊं मैं आप चलोगे अपने आप? हाँ बोलो, चलो 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 ऊपर चलो, चलो रात को चलेंगे। वो देख देख फिर देख, नहीं इसको भाई तू ऊपर ले जाइए, यहाँ रहेगी ना तो गंद बना मांग कर ले जा। ये देखो गाइस कितनी जिद्दी होती जा रही मेरी बेटी, देख रहे हो चाची बाली, चाची भालू क्या बन गई है और हम पे दिखा रही भालू बन गए। देखो ये देख निशा, ये देख, ये देखो देख रहे हो इसका गाइस, ये देखो इतनी जिद्दी हो गई है बेटी हमारी। अब आप बताओ इसका क्या इलाज करें? गाइस आप कल में लिख रहे थे कि पूजा के पापा की टेलर की शॉप है विष्णु गार्डन में, तो आप वहां से सूट क्यों नहीं स्टिच कराते? तो गाइस थोड़ी रिश्तेदारी में पड़ जाता है तो अच्छा नहीं लगता ऐसे रिश्तेदार में बोलना, अभी सूट सिल दो मेरा। तो मेरे को तो पहनावा बुटीक, मैं जब से मेरी शादी हुई मैं पहनावा बुटीक से ही सूट स्टिच करवाती हूँ, मेरे को वहीं की फिटिंग आती है, मैं वहीं का वहीं से सिलवाती हूँ, घर के पास भी है, फटाफट मैं दे भी आती हूँ और थोड़ा जल्दी भी दे देती हूँ। अगर मैं अर्जेंट बोलती हूँ सूट सिल दो दीदी तो सिल देती हैं। और थोड़ा मेरे को वहाँ विष्णु गार्डन थोड़ा दूर भी पड़ता है, मेरा बेबी छोटा है, ठंड का टाइम है, अगर कुछ ट्राई करना हो, कुछ लूज है टाइट है तो मैं फिर दिक्कत होगी, बाबा चक्कर मैं नहीं काट सकती, तो यहीं पे मैं दे आती हूँ। ये पहनावा बुटीक बहुत अच्छी फिटिंग देती है दीदी, और मैं यहीं से शुरू से यहीं सिलवाती हूँ, जब से मेरी मैरिज हुई है ना मैं तब से यहीं सिलवाती हूँ सूट, और मैं टेलर चेंज नहीं करती बार बार, क्योंकि फिटिंग आना बहुत मुश्किल होता है, कि हर किसी की टेलर की फिटिंग नहीं आती सूट में, तो इसी टेलर की मेरे को फिटिंग आई हुई है, शुरू से मैं यहीं से सिलवाती हूँ और फिटिंग भी अच्छी देते हैं। खेलने में लगी है ना बरी, तो गुस्से में आज भाई क्या गुस्से में है? क्या हो गया? बरी? क्या हो गया? हेलो गाइस बोल दो। नहीं आज मूड में नहीं है। यही बता रहे थे कि कमेंट्स आ रहे थे कि आप हे मेरी मम्मी को हेमा दी क्यों बोलते हो, ललता मासी को ललता दी क्यों बोलते हो, तो बता दो क्यों बोलते हो भाई। सो गाइस जब से मेरी मैरिज हुई है मैं उनको हेमा जी को भी दीदी बोलती हूँ, ललता जी को भी दीदी बोलती हूँ। अब मुँह पे दीदी चढ़ा हुआ तब आंटी बोलना बहुत अजीब लगता है, वो इतनी बड़ी एज की नहीं है, नहीं है हमारे हाँ। जैसे जैसे मम्मी है वैसी है दीदी है, वैसे हम उनको दीदी बोलते हैं शुरू से, तो दीदी वाला रिलेशन है वही सिस्टर वाला रिलेशन हो गया हमारा, तो आपस में आंटी वाला रिलेशन है, अब कैसे बोले तो एकदम से वो अलग सा लगेगा, तो बोलते हुए अच्छा नहीं लगेगा, उनको भी नहीं अच्छा लगेगा ना हमें बोलते अच्छा लगेगा, क्योंकि शुरू से दीदी बोलते हैं और अब भी दीदी बोलते हैं, मुंह पे दीदी चढ़ा हुआ, तो यही रिलेशन है हमारा दीदी वाला, तो इसी वजह से ही दीदी दीदी बोलते हैं और आंटी नहीं बोल सकते हैं, फिर मतलब वो लगेगा बिल्कुल बड़े बड़ी एज में आ जाएगी, तो एजेड एज में लगेगा, तो आंटी एजेड एज वालों को बोलता है इतनी एजेड थोड़ी एज उनकी होगी, जो मैं आंटी उनको बोल दूँ उनको फील लगेगी भाई निशा आंटी क्यों बोल रही है, तो इसलिए मैं उनको दीदी बोलती हूँ, शुरू से दीदी बोलती हूँ, अब भी दीदी बोलती हूँ। आंटी ना फिर थोड़ा पराया वाला भी लग जाता है, दीदी वाला दीदी वाला क्या अपना पास भी लगता है और अपना पन भी लगता है और रिलेशन भी अपना अच्छा लगता है। सो गाइस आप बोल रहे थे कि मैरिज की आपने वीडियो नहीं डाली, पिक्स नहीं डाली, आपकी लव स्टोरी क्या है, तो मैं सारी यार ब्लॉग में
पिक्स भी डालूंगी, वीडियो भी डालूंगी आपको, और कमेंट्स में बताना भी आपको कैसी लगी। पिक्चर्स तो मैंने भी नहीं देखी अभी तक, नहीं देखी मैंने, सिर्फ एक वही देख रखी है जो आपकी लगी हुई है ना रूम में, बस वही देखी तो मैं है। जो, जो मेरी वो पेन ड्राइव है ना, मैं उसको कनेक्ट करके वीडियो में सर्च करके फिर इसमें ब्लॉग में डालूंगी, तो आज मेरी भी पूजा भी देख लेगी इस बारे में। दिखाना एल्बम तो नहीं है मेरी, पेन ड्राइव है उसकी, सारी पिक्स भी है और वीडियो भी है। आप सो गए बार बार लिख रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। मैं आज पूरी वीडियो भी डालूंगी, पिक्स भी डालूंगी। और लव मैरिज नहीं थी हमारी, अरेंज मैरिज थी, और सुनील जी हैं उनके कोई रिलेटिव में तो वो रिश्ता करा दी थी, तो उनके थ्रू हमारा रिश्ता हुआ था। यहाँ पे सबकी कामराज में सबकी अरेंज मैरिज हो रही है, हमारे अरेंज है क्योंकि हमारे हम लव मैरिज, मैं पहले जॉब करती थी तो मेरे को इतना टाइम होता भी था, और मेरी मम्मी इतनी स्ट्रिक्ट थी इस मामले में, जैसे हमें ऑफिस से लेट हो जाती थी तो मेरे ऑनर को फोन आज चली जाता था कि कहाँ रहेगी गुड़िया, कहाँ रहेगी रुचि। मैं वैसे नाम रुचि है, यहाँ निशा नाम है, जो मेरा भी नाम बोल रहे थे चेंज करने को, मैंने कहा नहीं मैं पूजा तो मेरा तो नाम इधर यहाँ निशा रख देता, वैसे मेरा रुचि नाम है, और घर में मम्मी मेरे को गुड़िया गुड़िया बुलाती थी, मेरी मम्मी गुड़िया, सबकी मम्मी की बेटी सबकी गुड़िया होती है। मैं तो वैसे पापा की लाडली बेटी थी, गुड़िया मेरे को, मैं डैडी के साथ सोती थी, अपने डैडी के साथ खाती थी, जब तक मैं नहीं आती थी ना घर में तो डैडी मेरे वेट करते रहते थे गुड़िया आएगी तो मैं खाना खाऊंगा, और तभी हम उनके साथ मैं सोती थी, इतना मेरा लव था। अब तो मेरे डैडी नहीं है तो मुझे बहुत फील होता है, जैसे परी को डैडी प्यार करते हैं ना, तो मुझे भी अपने डैडी की बहुत याद आ जाती है, मैं बहुत मिस करती हूँ हर बारी हर चीज में। क्या कर रही है? ये बॉल बॉल खेल रही है। अरे बोल तो सही, यहाँ तो कुछ बोल भी नहीं रही, क्या हो गया था? क्या हो गया? ये जब से लंच के बाद गुमसुम हो गई है परी, क्या हो गया परी को, क्या हो गया परी को, अरे तो कहती है पूजा का खेलूंगी बोलूंगी, अब तो बोल भी नहीं रही। एक बार बोल दे, हेलो गाइस बोल दे, एक बार बोल दे परी, गली बादे चाची को एक बार बादे, गली बादे, नहीं अभी गली भी नहीं पा रही ढंग से, इसको क्या हो गया है पता लगाओ, बाल देख रही है मेरे, इतने लंबे बाल हो जाएंगे तेरे, पारी कर दे चाची को भी, परी इतने लंबे बाल करे वो देखो, करने इतने लंबे बाल करेगा, इसको बस भागने की हो रही है, करेगा भाई बस बोलो हेलो, हेलो तो मैं परेशानी हो रही, मैंने कहा चलो आपकी नहीं है की हेल्प कराने चली जाती हूँ शॉप पे, परी को सुनाई हूँ मैं, परी सो गई क्या बात, मैंने कहा चलो सुनील जी के पास, तभी होती है आजाद, तभी होती है जब परी सोती है, वैसे तो बंदी रहती हूँ रस्सी की तरह, तुम तो जा दो अपने शॉप पे आ जाओ, तुम मेरे को छोड़ के उसको हो। तो भाई उसकी जिम्मेदारी भी तो है ना, उसकी उसको कौन संभालेगा, तो माँ ज्यादा तो माँ ही संभालती है बच्चे को, फिर डैडी तो अपना शॉप पे आ जाते हैं सुबह, गए टिप टॉप बन के नाश्ता करके चलो जी, रात को आएंगे निशा खाना बनेगा बना तैयार लेके खड़ी हो जाती हूँ मैं, भाई सुनील से मैं बहुत डर लगता है, इसलिए मैं पहले ही उनकी हर चीज रेडी रखती हूँ, डर लगता है मुझसे, मैं इतना वो हूँ हो नहीं, एक आवाज से बंदा डर जाता है, एक रिस्पेक्टफुल होना चाहिए ना बीवी को भी अपने हबी के लिए, अच्छा इसलिए थोड़ी रिस्पेक्टेड होनी चाहिए। चलो आज इतना तो पता चल गया कि निशा सुनील से डरती है, हैं? चलो ये काम तो बढ़िया है, वही डरती हूँ और हस्बैंड की पूरी रिस्पेक्टफुल करती हूँ, चाहे हस्बैंड बोले ना बोले, लेकिन मैं बोल रही हूँ, वो तो सुनील जी को पता ही है मेरी नेचर कैसी है, मैं उनकी हेल्प मतलब इनकी हेल्प करती हूँ नहीं करती हूँ, उनका ध्यान रखती नहीं रखती, ये तो सुनील जी बताएंगे, मैं तो जितनी मम्मी ने मेरे को बोल रखा है कि पहले सुनील जी फिर मम्मी पापा सबकी तूने पूरी सेवा करनी है और पूरी हेल्प करनी उनकी, तो मैं वही सीख के आई हूँ, वही मैं कर रही हूँ उनके साथ। डमडम वाला आ गया भैया, वो डमडम ले आया, डमडम फाड़ दिया इसने, डमडम फाड़ दिया आ? पर एक तरफ से तो सही है जी, तो एक तरफ से क्या बजेगा, वन साइड ठीक कोई इसको मैंने कम से कम 1000 रुपए के खिलौने ले दी निशा, लेकिन कोई खिलौना इसके साबुत नहीं है, कोई खिलौना सारे तोड़ फोड़ दिए तुमने। सुनील जी जी क्या कर रहे हो आप? मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ कोब लाइट खराब हो गई थी दोनों की, तो लेके आया हूँ, तो अब जला के दे रहा हूँ चलती है कि नहीं चलती है। तो आपको वो इलेक्ट्रिशियन को बुला के लगा, जिससे काम करवाया था ना मकान का, वो कह रहा है मैं दिल्ली से बाहर हूँ। अच्छा तो आप कैसे लगा रहे हो, कोई प्रॉब्लम होगी लगाने में? नहीं नहीं मैं लगा लूंगा, करता हूँ देखो, ढूंढता हूँ, देखो परी भी उठ गया आपके चक्कर में, परी डैडी क्या कर रहे हैं, परी डैडी क्या कर रहे हैं बेटा बताओ, लाइट लगा रहे हैं, लाइट
बोलो। परी का स्कूटर सवारी चालू हो गई भाई। परी की तो जोड़ दिया, अब एक काम कर तू, ये जरा स्विच ऑन कर, जरा करियो। करंट नहीं आएगा, नहीं आएगा, कर सही, कुछ नहीं होगा। पटाखा फूटा, अरे कुछ नहीं होगा, कर एक बार। ओए देख ले भाई, निशा मेहनत सफल हो गई। वेरी नाइस, सो ब्यूटीफुल लाइट। चल लगाता हूँ इसे, लाइट तो ऑन हो गई, अब लगा के देखता हूँ कैसे। वो बेटर लग रही है, वो जो तो पहले लगा था बेकार थी, वो लोकल थी, ये कंपनी के लाया हूँ अभी। उसकी रोशनी भी तेज है। चल लगा के देखते हैं अभी कैसे। परी कैसी है? अच्छी है, अच्छी है। अरे ये लगा दे आपके रूम में, लगा दे। कैसी लगी रूम में? बढ़िया लग रही है। लग गया ना, चलवा देख ले। बिजली वाले को बुला रहा हूँ दिन से, कह रहा अभी टाइम नहीं, कल आऊंगा, चल पाऊंगा, तो मैं चल मैं खुद ही कर लेता हूँ। सो गाइस, अब आपकी डिमांड पूरी कर रहे हैं, आज अपनी मैरिज की वीडियो डाल रहे हैं अपने ब्लॉग में और पिक्स डाल रहे हैं, तो आप बताइए कमेंट्स में कैसी आपको लगी। आसमान गाएगी ये जमीन, मैंने सोचा न था। गाइस, अभी डिनर कर चुके हैं, आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी, साथ में रोटी थी, चटनी थी और सैलेड था। तो अब सुनील जी अब सोने की तैयारी कर रहे हैं, अब मैं भी कपड़े चेंज कर रही हूँ, अपना नाइट सूट चेंज करूँगी, नाइट सूट पहन के मैं भी सोने की तैयारी कर रही हूँ। परी सो चुकी है। हेलो मानवी जी, आप कैसी हैं? आई होप अपने घर में ठीक होंगी। हेलो जोशनी जी, आप कैसी हैं? आई होप अपने घर में ठीक होंगी। ऐसा मसाद प्यार बनाए रखिए। तो आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, और मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से व्यूज दीजिए। और अगर आपको कुछ पूछना है आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, मैं उसका आपको पूरा रिप्लाई करूँगी। और ऐसा हमारे साथ प्यार बनाए रखिए। बाय बाय।